नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार के सारण जिले से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां शादीशुदा युवती ससुराल से बहाना बनाकर रात के समय अपने प्रेमी से मिलने पहुंची, जहां ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और गांव के ही एक मंदिर में उनकी शादी करा दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। प्रेमी युगल प्यार में सारी हदें पार कर रहे हैं और अपने साथी के साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अब कुछ इस तरह का ही मामला बिहार के सारण जिले के एक गांव से सामने आया है। यहां एक शादीशुदा युवती अपने ससुराल में बहाना बनाकर रात के समय अपने प्रेमी से मिलने पहुंच जाती है और जब ये दोनों ग्रामीणों के हद से चढ़ते हैं तो आक्रोशित ग्रामीण गाँव के ही एक मंदिर में उनकी शादी करा देते हैं। मामला सारण जिले के मकेर प्रखंड के बाथा नया टोला का है। यहां एक युवक का पड़ोस के गांव में रहने वाली एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने और मरने की कसमें खाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से लड़की की शादी किसी और शख्स से हो गई। बावजूद इसके इन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। दोनों फोन पर घंटों घंटों बातें करते और इनका प्यार पहले से ज्यादा परवान चढ़ता गया, लेकिन मिलना जुलना नहीं हो रहा था। किसी तरह प्रेमिका हिम्मत कर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ससुराल में बहाना बनाकर अपने प्रेमी से मिलने उसके गांव आ गई, जहां ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों को अनोखी सजा दी गई, यानी कि दोनों की गांव के एक मंदिर में शादी करा दी गई। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि युवती पहले से शादीशुदा थी, लेकिन अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करा दी। दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन युवक की पहली बीवी का क्या होगा? हमारा कानून दो शादियों को मान्यता नहीं देता है। ऐसे में अब पुलिस इस अनोखी शादी पर क्या एक्शन लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी।